हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 11 सिलाई तक हमने बना लिया था। इसके बाद अब हम 12वीं सिलाई से बनाना स्टार्ट करेंगे। इतना आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए, 12वीं सिलाई जो कि हमारी उल्टी साइड की सिलाई है, उसमें हमें क्या करना है। पहला फंदा तो हमारा एज स्टिच का है जो कि हम उतार देंगे। फिर उसके बाद दो फंदे हमें ये मरून कलर से बनाने हैं, एक और एक ये दो। दो फंदे मरून कलर से बना लिए, इसको टाइट कर लेंगे और हमेशा इसको लूज रखेंगे, नहीं तो आगे से सिकुड़ा हुआ आएगा। और लूज इतना भी नहीं कि फंदा ही ढीला हो जाए। तो दो फंदे मरून कलर से बनाने के बाद पांच फंदे व्हाइट कलर से, 5 स्टिचेस व्हाइट कलर से बनाएंगे। तो एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदे व्हाइट कलर से बनाने के बाद फिर चार। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ दो फंदे मरून के बनाए थे, लेकिन बीच में स्टार्टिंग में दो फंदे मरून के होंगे और लास्ट में दो फंदे मरून के होंगे। बीच में चार फंदे हमारे मरून के होंगे, एक, दो, तीन और एक ये चार। चार फंदे देखिए, 1 2 3 4, फिर 5 फंदे व्हाइट के, एक, दो, तीन, ये लंबा ऊन हो जाता है तो इसमें साथ में हम मैरून वाले को ले चलेंगे, तीन, चार और एक ये पांच। पांच फंदे हमारे मरून के हो गए और फिर लास्ट में हमारे पास दो फंदे मरून के होंगे पैटर्न के, और एक फंदा हमारा एज स्टिच का। तो टोटल तीन फंदे हमारे मरून के हो गए। अब हम आ गए अपनी 13वीं सिलाई में जो कि हमारी राइट साइड की रो है। इसको बनाने के लिए फर्स्ट और लास्ट स्टिच तो ऑलवेज एज स्टिच होगी, उसके बाद हमारा एक फंदा व्हाइट का होगा जो कि राइट साइड में है। 13वीं सिलाई, पहला फंदा मरून का, ये तो एज स्टिच है। पैटर्न के हिसाब से पहला फंदा हमारा व्हाइट का होगा, एक व्हाइट के दो मरून का, एक और एक ये दो मरून, फिर तीन व्हाइट, एक, दो, तीन व्हाइट, दो मरून, ये दो और फिर एक व्हाइट। ये हमारे 9 फंदे हो गए। यही बार बार हमारे रिपीट होंगे। देखिए, इस पहले को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो फंदे हमने बनाए हैं इसी को हम आगे रिपीट करते जाएंगे। तो ये हम पूरा करके फिर आपको दिखाते हैं। तो इन्हीं 9 फंदों को रिपीट करते हुए, ये देखिए, जो ये 9 फंदे थे इन्हीं को हमने आगे भी रिपीट किया है। तो हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम वापस उल्टी तरफ आ गए जो कि हमारी 14वीं सिलाई है। पहला फंदा उतार लेंगे, उसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग दो फंदे व्हाइट के, एक और एक ये दो, दो व्हाइट के हो जाएंगे, दो फंदे ब्लू, सॉरी ये मरून कलर के, एक वाइट, दो मरून और दो वाइट, दो वाइट। अब ये देखिए, पहले फंदे को हमने छोड़ दिया तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदों का पैटर्न हो गया जो कि हम इसी को आगे रिपीट करते जाएंगे। तो जब हम रिपीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, दो फंदे से तो फिर वापस यहाँ दो बनाएंगे तो बीच में हमारे चार फंदे व्हाइट हो जाएंगे। तो मैं फिर एक बार आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पैटर्न, दो व्हाइट, दो ब्लू, एक व्हाइट, दो ब्लू, और ये दो व्हाइट। तो देखा, जैसा हमने पहले 8 फंदों पे रिपीट किया था वही हमने अब फिर से दोबारा रिपीट किया। और लास्ट की एज स्टिच हम वापस से, ये इस तरह से अब दिखने लगा। 14 सलाइयां हमारी कंप्लीट हो गई। हम अपनी 15वीं सिलाई पे आ गए जिसमें 15वीं सिलाई में पहला फंदा तो हमारा एज स्टिच का ही होगा। उसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग पहला फंदा मरून होगा, एक फंदा मैरून, दो फंदे व्हाइट के, एक, एक, दो, तीन फंदा मरून,
एक दो तीन, दो फंदे वाइट के, एक फंदा ब्लू का। ये यहां से यहां तक हमारे 9 फंदे हो गए, इन्हीं को हमें आगे रिपीट करना है। तो वापस कर देते हैं, एक फंदा मैरून, दो फंदे वाइट, तीन फंदे मरून, एक दो तीन, तीन फंदे मरून, दो फंदे वाइट, एक फंदा मरून और एक फंदा हमारा एज स्टिच का। तो ये हमारी 15वीं सिलाई बनके कंप्लीट हो गई। अब आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस आ गए अपनी 16वीं सिलाई में, जो कि हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसको हम ग्राफ की सहायता से डालें तो भी बहुत इजीली पड़ जाता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं डाल पाते। पहला फंदा एज स्टिच का, उसके बाद हमारे दो फंदे मरून के, पहले को छोड़ के यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। दो मरून के, दो वाइट, एक दो वाइट हो गए, एक मरून, दो वाइट और दो मरून। तो ये पहले फंदे को छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 9 फंदों को जैसे हमने ये बनाया है उन्हीं को हम आगे भी रिपीट करके अपना पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 16वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। हम वापस आ गए राइट साइड में, जो कि 17वीं सिलाई है। पहली एज स्टिच हो गई, फिर दो फंदे हमारे ब्लू के, तो टोटल यहाँ स्टार्टिंग में 3 हो जाएंगे, जिनमें से एक एज स्टिच का है और दो फंदे यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट है। तो दो फंदे मरून के हो गए, तीन फंदे वाइट के, एक दो और एक ये तीन, तीन फंदे वाइट के, फिर तीन फंदे मरून के, एक दो और ये तीन। ये देखिए पहले फंदे को छोड़ दें तो ये हमारा पैटर्न का फंदा है। ये 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हमारे पैटर्न के हैं। इन्हीं को हम आगे रिपीट करते हुए अपने पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो 3 यहाँ हैं, 3 और बनाएंगे, तो बीच में हमारे टोटल 6 फंदे मरून के हो जाएंगे। तो चलिए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी रो कंप्लीट करती हूँ। ये 17वीं रो कंप्लीट हो गई। एक चीज मैं यहाँ से बोल दूँ, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे आपको एज स्टेज को छोड़ के 2 फंदे मरून के कहते हैं, लेकिन सॉरी यहाँ पे एक एज स्टेज को छोड़ के 3 मरून फंदे होंगे पैटर्न के। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, और बीच में 6। फिर हम वापस आ गए उल्टी सिलाई में, जो कि हमारे रॉन्ग साइड की रो है। पहला फंदा एज स्टेज का बना लेंगे, उसके बाद 2 फंदे मरून के, एक दो, दो मरून, तीन वाइट, एक दो और एक ये तीन, सॉरी 2 ही वाइट होंगे, 2 मरून हो गए, 2 वाइट, 1 रेड, एक रेड, 2 वाइट और 2 रेड। ये देखिए पहला फंदा हम छोड़ देंगे, तो 2 रेड 2 वाइट, 1 मरून, 2 वाइट 2 रेड। तो ये 9 फंदों की डिजाइन को ही हमें आगे रिपीट करना है। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पहले फंदे को छोड़ के बाकी हम पैटर्न को रिपीट करके अपना रो कंप्लीट करेंगे। ये 19वीं रो है। पहला फंदा एज स्टिच का उतार लिया, उसके बाद एक फंदा मरून, यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट है। पहले फंदे को छोड़ के एक फंदा मरून, दो फंदे वाइट, एक और एक ये दो, दो फंदे वाइट, तीन फंदे मरून, एक दो और एक ये तीन, फिर 2 फंदे वाइट, एक और एक ये दो और एक फंदा हमारा मरून का। ये देखिए यहां से ये 9 फंदे हमारे रिपीट होंगे आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मरून, 2 वाइट, 3 मरून, 2 वाइट, 1 मरून। इन्हीं को हम आगे रिपीट करेंगे। ये देखिए 20वीं सिलाई में एक एज स्टिच, उसके बाद 2 फंदे वाइट के, स्टार्टिंग में 2 फंदे वाइट, 2 फंदे रेड,
एक फंदा व्हाइट, दो फंदे रेड और दो फंदा व्हाइट। ये देखिए, ये नौ फंदे का यही पैटर्न हमें आगे रिपीट करते हुए जाना है। दो व्हाइट, दो मरून, एक व्हाइट, दो मरून, दो व्हाइट, इन्हीं को आगे रिपीट करेंगे। 21वीं रो में पहला फंदा उतार लिया, उसके बाद ये तो एज स्टिच का है, उसके बाद पैटर्न के लिए पहला फंदा व्हाइट, दो रेड, तीन व्हाइट, एक दो तीन, तीन व्हाइट, दो रेड, एक दो रेड और एक व्हाइट। ये हो गया हमारा पैटर्न नौ फंदों का। क्या आप देख रहे होंगे पहले फंदे एज स्टिच का है, एक व्हाइट, दो मरून, तीन व्हाइट, दो मरून, एक व्हाइट, इन्हीं को आगे रिपीट करके। अभी देखिए हम आगे अपनी 22वीं सिलाई में पहला फंदा उतार दिया, उसके बाद दो फंदे मरून के, एक दो मरून, पांच फंदे व्हाइट के सफेद के, एक दो तीन चार और एक ये पांच, पांच फंदे व्हाइट के और दो फंदे मरून के, एक और एक ये दो। ये हमारा पैटर्न हो गया कंप्लीट, दो मरून, पांच व्हाइट, दो मरून, इसी को आगे रिपीट करना। ये 23वीं रो है जिसमें कि पहला फंदा हमेशा की तरह उतार लिया है, उसके बाद एक फंदा मरून का, तीन फंदे व्हाइट से, एक दो और एक ये तीन, तीन फंदे व्हाइट के, एक फंदा रेड का, फिर तीन फंदे व्हाइट के और एक फंदा रेड का, एक दो तीन और एक फंदा रेड का। यही पैटर्न हमें आगे कंटिन्यू करना है। देखिए एक मरून, तीन व्हाइट, एक मरून, तीन व्हाइट, एक मरून। तो देखिए एक ये तीन, चार पांच छ सात आठ ये नौ। तो पहला फंदा उतार लिया, पैटर्न यहां से स्टार्ट होगा, एक फंदा मरून, दो फंदे व्हाइट, एक और एक ये दो फंदे व्हाइट, एक फंदा मरून, एक फंदा व्हाइट, एक फंदा मरून, दो फंदे व्हाइट, एक फंदा मरून। ये हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। ये देखिए एक मरून, दो व्हाइट, एक मरून, एक व्हाइट, एक मरून, दो व्हाइट, एक मरून। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, इसी को आगे रिपीट करेंगे। 25वीं रो पहला फंदा उतार लिया, उसके बाद फिर एक फंदा रेड, एक फंदा व्हाइट, एक फंदा रेड, तीन फंदे व्हाइट, एक दो तीन, तीन फंदे व्हाइट, फिर एक फंदा रेड, एक फंदा व्हाइट, एक फंदा रेड। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया नौ फंदों का। अभी इन्हीं को आगे हम रिपीट करेंगे। ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, 26वीं सिलाई है, पैटर्न यहां से स्टार्ट होगा, दो फंदे मरून के, पांच फंदे व्हाइट के, एक दो तीन चार और एक ये पांच, पांच फंदे व्हाइट के और फिर दो फंदे मरून के। पैटर्न हो गया कंप्लीट। इन्हीं दो फंदे, इन्हीं नौ फंदों को हमें रिपीट करना है, दो मरून, पांच व्हाइट, दो मरून। ये 27वीं सिलाई है, पहला फंदा मरून का उतार लिया जो कि एज स्टिच है, उसके बाद दो फंदे मरून के, एक दो, पहले को छोड़ के यहां से पैटर्न स्टार्ट होगा, दो मरून, दो व्हाइट, एक मरून, दो व्हाइट, दो मरून। ये हमारा पैटर्न हो गया कंप्लीट।
ये देखिए, दो मरून, दो वाइट, एक मरून, दो वाइट, दो मरून, इन्हीं नौ फंदों को आगे रिपीट करेंगे। ये 28वीं सिलाई है। पहला फंदा उतार लिया, पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। दो फंदे मरून, एक फंदा वाइट का, एक फंदा रेड का, एक फंदा वाइट का, एक फंदा रेड का, एक फंदा वाइट का और दो फंदे रेड के। ये पहले फंदे को अगर हम छोड़ देंगे तो इसमें तीन फंदे वाइट के आ रहे हैं। देखिए, एक दो तीन, और यहां से काउंट करें तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। इसी पैटर्न को हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर आप देखेंगे तो इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम वही चीज है जो ये नीचे बना है, इसी को हमें आगे बनाना है। तो आप ग्राफ भी दे दूंगी उससे भी, और जैसे हमने पहले ये बनाया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आप अपने पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं, और किसी भी स्वेटर में, बच्चे में, बड़े में, गर्ल्स में, बॉयज में, किसी में भी डाल के आप अच्छा सा लुक स्वेटर का क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, एंजॉय निटिंग।